वे हमारे साथ हमारे घरों में रहती थी, इसीलिए एक अंतरंग संबंध था। ये गाय आई और घर के आगे खड़ी हो गई। 6 दिनों तक कभी कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और 6 दिनों बाद वहीं मर गई। देखिए, समस्या ये है कि आज आप एक ऐसे घर में चले गए हैं जो 10वीं मंजिल पर है और आप धरती से बहुत दूर हो गए हैं और धरती पर चीजें कैसे काम करती हैं इसका आपको कोई बोध नहीं है। हम गांव की संस्कृति से आते हैं जहां हमारी संपत्ति को हमेशा इन अर्थों में मापा जाता था कि आपके पास मवेशियों के कितने झुंड हैं। आप पीछे मुड़कर महाभारत की ओर देखिए। और दूसरी बात, वे हमेशा मवेशियों के झुंडों की बात करते थे। आपके पास कितने गाय बैल हैं ये संपत्ति है। ऐसा इसलिए था क्योंकि हम एक उष्णकटिबंधीय देश हैं और हम वर्षा ऋतु पर निर्भर हैं। जब बारिश नहीं होती थी तब जिनके पास गायें होती थीं उनके बच्चे जीवित रहते थे, जिनके पास गायें नहीं होती थीं उनके बच्चे मर जाते थे। ये एक सरल सा ज्ञान है जिसे हमने जाना। तो एक पशु जिसने हमें दूध दिया, जिसने हमारे बच्चों के जीवन बचाए, हमने अपने जीवन में उसे पवित्र माना। सिर्फ यही नहीं, गायें कहीं और अलग पशु फार्म में नहीं रहती थीं, वे हमारे घरों में हमारे साथ रहती थीं। इसलिए एक अंतरंग संबंध था, बहुत ज्यादा अंतरंग। मुझे आपको यह बताना चाहिए, मेरी एक दादी थीं जिनके पास एक गाय थी। एक समय पर सभी गायों के नाम होते थे, ठीक है। इस गाय को लक्ष्मी कहा जाता था, वो उन्हें बहुत प्यारी थी। 84 या 85 की उम्र में मेरी दादी गुजर गई। ये गाय आई और घर के आगे खड़ी हो गई। 6 दिनों तक उसने कभी कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और 6 दिनों बाद वहीं मर गई। तो एक गाय इस स्तर की भावना दिखाने में सक्षम है, मैंने खुद देखा है। देखिए, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरी दादी हमेशा एक गाय को दिखाकर मुझे कहती रहती थी, तुम इस गाय का दूध पी रहे हो, ये तुम्हारी दूसरी माँ है। वे वास्तव में खुलकर मुझसे कह रहे थे। मान लो तुम्हारी माँ मर जाती है, मैं बस 2 साल का बच्चा था। ये वो दिन थे जब आपको मृत्यु शब्द कभी नहीं बोलना होता था, पर उन दिनों क्योंकि माँ मर सकती थी इसलिए मेरी दादी मुझसे कहती थी, मान लो तुम्हारी माँ मर जाती है तो ये तुम्हारी माँ है, यही तुम्हें पाल रही है। हर रोज मुझे ये बताया जाता था, इसलिए रोज मुझे जाकर कम से कम उसे छूना होता था और कुछ मिनटों तक उसके साथ खेलना होता था। ये बड़े होने का एक हिस्सा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उस पशु की ओर एक बड़ी भावना जुड़ी थी। और मैंने खुद देखा है कि अगर आप किसी गाय के साथ एक निश्चित घनिष्ठता विकसित कर लेते हैं, मान लीजिए आप किसी दुख, अपने भीतर किसी कष्ट से गुजर रहे हैं, तो आपको उसके पास भी नहीं होना है। गाय आपके लिए आंसू बहाएगी, इसलिए क्योंकि उनमें मानवीय भावनाएं हैं। हमने कहा कि गाय को मारना हत्या के समान है, गाय को खाना नरभक्षण के समान है। अतीत में इसे इसी तरह देखा जाता था। खैर, अब हम उस समय में वापस नहीं जा सकते। हम समुद्र की सबसे बड़ी गहराइयों में जाएंगे और उसके तले में जो होगा हम उसे उठाएंगे और खा जाएंगे। हम इस ग्रह पर हमने हर चीज का शोषण करना सीख लिया है, पर एक कृषि प्रधान देश में मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। अगर आपको यह पहले से नहीं पता तो चलिए मैं आपको यह बताता हूं। भारत का 25% हिस्सा अगले 10 से 15 साल के समय में रेगिस्तान में तब्दील होने जा रहा है। मरुस्थलीकरण कैसे होता है, इसका कारण सरल सा है। सामान्य कृषि भूमि में मिट्टी को मिट्टी कहने के लिए कम से कम 3 से 6% जैविक तत्व होना चाहिए। कम से कम 3% तो होना ही चाहिए। लेकिन आज पंजाब, हरियाणा, मराठवाड़ा जैसे कई राज्यों में, तमिलनाडु और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में the organic content has gone down to 0.05%. जैविक तत्व 0.05% तक नीचे आ गया है। इसका मतलब अगले 3 से 5 सालों में ये रेत बन जाएगी। अगर आप मिट्टी से जैविक सामग्री हटा देते हैं तो मिट्टी रेत बन जाएगी। अगर आपकी मिट्टी रेत बन जाती है तो हम कहते हैं आपका देश एक रेगिस्तान है ना? ये दूर कैसे जा रहा है मुझे नहीं पता। युवा शिक्षित लोगों को इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, पर दुर्भाग्य से हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप 1 एकड़ जमीन लीजिए। अगर आप 1 एकड़ जमीन लेते हैं, अगर आप मान लीजिए 2 टन कोई फसल उगाते हैं, तो आपने जो हटाया है वो 2 टन ऊपरी मिट्टी है। तो अगर आप जैविक सामग्री को वापस मिट्टी में डालना चाहते हैं तो सिर्फ 2 तरीके हैं, पेड़ों की पत्तियां और पशुओं का मल। पेड़ बहुत समय पहले ही जा चुके हैं, पशु आप खुद उन्हें खाना चाहते हैं। आप मिट्टी का संरक्षण कैसे करेंगे? अगर हमारी मिट्टी रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है How are people going to live? तो लोग कैसे जिएंगे? 130 करोड़ की जनसंख्या के साथ, बहुत गाढ़ी आबादी के साथ। अगर आप पेड़ों की पत्तियां और पशुओं का कचरा जमीन में वापस नहीं डालेंगे तो आप देश को खत्म कर देंगे। एक ऐसा देश जहां 12 मासी खेती प्रणाली है और जिसका कृषि इतिहास 8 से 10 हजार साल पुराना है। इस ग्रह पर सबसे लंबा कृषि इतिहास। अब अगर आप मिट्टी को निकालकर उससे रेत बना देते हैं तो ये क्या बड़ी बात है? आपको किसी तरह से इसे संरक्षित करना होगा। किसी बिंदु पर, निकट भविष्य में किसी बिंदु पर हमें इस बात पर आना होगा। अगर आपके पास 10 एकड़ भूमि है तो आपके पास इतने पेड़ और इतने पशु होने चाहिए। ये अनिवार्य हो जाएगा। अगर ये अनिवार्य नहीं होता है तो इस देश में कोई मिट्टी नहीं बचेगी।